मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंचे। वे नारायणपुर, चित्रकूट और बस्तर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट मांगे। भानपुरी में आम सभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने पूर्ववर्ती रमन सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आपके पास दोनों सरकार का अनुभव है। 15 साल तक सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी के दौर को हमने देखा है। वो एक दौर था जिसमें किस प्रकार बस्तर के लोगों को नक्सली बताकर जेल में ठूस दिया जाता था, किस प्रकार आदिवासियों की जमीन छीन ली जाती थी। आदरणीय साथियों, आपके पास तो दोनों अनुभव है। 5 साल इस सरकार में जो आप लोगों की सेवाएं हम लोगों ने की उसके बारे में भी जानकारी है। उसके पहले 15 साल तक के सत्ता में रहे भारतीय जनता पार्टी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, केदार कश्यप बड़े प्रभावशाली मंत्री थे, उस दौर को भी हम लोगों ने देखा है। वो एक दौर था जिसमें किस प्रकार से बस्तर के लोगों को नक्सली बताकर फर्जी केस में फंसाकर जेल में ठूस दिया जाता था, किस प्रकार से फर्जी एनकाउंटर करके उसकी जान ले ली जाती थी, किस प्रकार से हमारे माता बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। वो दौर था जिसमें आदिवासियों की जमीन छीन ली जाती थी। पूरे प्रदेश में 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन आदिवासियों की छीन ली गई। 3000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए। केदार कश्यप मंत्री थे। इसी बस्तर में सैकड़ों स्कूल बंद हो गए। आप लोगों को केवल ठगने का काम किया। कभी ये लोग 2100 रुपए क्विंटल में धान खरीदी करने की बात करते थे, कभी 300 रुपया बोनस हर साल देने की बात करते थे, कभी आदिवासियों को जर्सी गाय देने की बात करते थे, हर परिवार को पक्का नौकरी देने की बात करते थे। ये सब बरगलाने बहकाने का काम आपके साथ हुआ, छलने का काम आपके साथ हुआ। चौर वाला बाबा बने थे, लेकिन जिसके पास होता था तो राशन कार्ड 4 और 5 राशन कार्ड, और जिसके पास जरूरतमंद है उसके पास एक भी राशन कार्ड नहीं। चुनाव पहले खूब राशन कार्ड बनता था, चुनाव होते ही सब राशन कार्ड काट दिया जाता था। उस समय का भी दौर था कि किसान आत्महत्या करते थे। बस्तर में कभी आदिवासी आत्महत्या नहीं करते थे, लेकिन रमन सिंह के राज में, केदार कश्यप के राज में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए थे, पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे, रोजी रोटी के लिए तरस रहे थे, एक दूसरे से बात करते नहीं थे, सबके मन में डर और भय था, शंकाएं थी कि पता नहीं एक पुलिस का मुखबिर है, एक नक्सली का मुखबिर है, बात करें ना करें, सबके चेहरे में चिंता का भाव रहता था। 5 साल पहले आप लोगों ने राहुल जी पर विश्वास किया, कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया, हम लोगों को आशीर्वाद आपने दिया, और सबसे पहले जो काम किया वो ऋण माफी का किया। आपसे वादा किया था राहुल जी ने, हमारी सरकार बनेगी तो ऋण माफी करेंगे, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता खरीदेंगे, 400 यूनिट तक के बिजली बिल आधा होगा, ये सब बातें कही गई थी। 35 किलो चावल रमन सिंह तो 7 किलो कर दिया था, हमारी सरकार आई तो 35 किलो करेंगे और 35 किलो चावल सबको। इस दौर में विकास के कार्य हुए, सड़कें भी बनी, पुल पुलिया भी बने, स्कूल भी बने, हमारे गरीब घर के बच्चे, किसान घर के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे भी अंग्रेजी पढ़े। रमन सिंह 15 साल रहे, केदार कश्यप शिक्षा मंत्री रहे 15 साल, अरे प्रदेश तो छोड़ दो कम से कम, नारायणपुर विधानसभा में जहां भानपुरी में रहते हो वहां तो कम से कम एक अंग्रेजी स्कूल खोल देते, एक भी नहीं बल्कि खुले हुए स्कूल जो कांग्रेस के शासन काल में स्कूल खुले थे उसको बंद करवाने का काम किया। हमारे यहां सैकड़ों की तादाद में 753 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय खोले। आदरणीय साथियों, मेडिकल कॉलेज
केवल जगदलपुर में था, अब तो कांकेर में भी हो गया और गिदम में भी खुलेगा। हाट बाजार क्लिनिक योजनाएं शुरू की, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना हमने शुरू की, और सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर की अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान है, उसके रहन सहन अलग है, विशिष्ट है, उसके बोली उनकी भाषाएं विशिष्ट है, उनकी तीज त्योहार बिल्कुल उसकी अलग पहचान देती है, और उसको संरक्षित संवर्धित करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। ये आपकी सरकार है जो देवगुड़ी बनाने का काम किया है, यह आपकी सरकार है जो गोटुल बनाने का काम किया है, ये आप ही की सरकार है जो विश्व आदिवासी दिवस के दिन अवकाश देने का काम किया है, ये आप ही की सरकार है कि हर साल आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अभी चुनाव है, हम लोग भी अपनी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, कुछ ओटकटवा लोग भी खड़े हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है, वो हमर राज पार्टी के जोगी कांग्रेस, आप पार्टी, ये सब सर्व आदिवासी, वो सब खड़े हैं। क्यों? कि कांग्रेस के वोट को काटना है, तो ये वोट कटवा लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मतलब ये वोट कटवा लोगों को वोट दोगे मतलब सीधा भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले आप क्या बोल रहे हैं आपके गांव में? कुछ बोलते हैं? जैसे हमने कहा इतना सारा काम किए, अभी प्रियंका जी, राहुल जी आए थे, आपसे वादा करके गए हैं, अभी 3 दिन के अंदर में 17 वादा उन्होंने की घोषणा की, उस गारंटी दी, भाजपा वाले क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। वो केवल ये है, या तो चंदन कश्यप को गाली दे रहे होंगे, या दीपक बैज को, या भूपेश बघेल को, उसके अलावा कुछ कर रहे हैं क्या? कि आदिवासी के लिए कुछ करेंगे, कि पिछड़े वर्ग के लिए कुछ करेंगे, अनुसूचित जाति के लिए कुछ करेंगे, किसानों के लिए, मजदूरों के, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ करेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, उसको करना ही नहीं। वो तो गाली दे के वोट पाना चाहते हैं, वोट पाके वो सब, अभी वो नगर नार स्टील प्लांट, अभी तो कल और आ रहे हैं प्रधानमंत्री, उसे पूछ लेना, ये निजी हाथ में नहीं जाना चाहिए, बस्तर के लोग बंद का आह्वान किए थे। वो अडानी की बेचने की तैयारी है, नंदीराज पहाड़ अडानी को, कोयला खदान अडानी को, रेलवे स्टेशन अडानी को, एयरपोर्ट खदानी को, बंदरगाह अडानी को, कुछ बचेगा? वो उनके लिए काम करते हैं, हम आपके लिए काम करते हैं। अभी 17 घोषणा प्रियंका जी और राहुल जी ने किया, तो पहली घोषणा क्या है हमारी? पहली घोषणा यह है कि हमारी सरकार अब कल से 1 नवंबर से 20 क्विंटल धान खरीदेगी। दूसरा घोषणा क्या किया हमने? कि सब किसानों का कर्जा माफ होगा। अब जो जो ताली नहीं बजाए उसका फोटो खींच लो यार चंदन। सबके अब कर्जा माफ करूंगा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कर्जा माफ करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वालों के पेट में दर्द होता है, क्यों किसानों का कर्जा माफ करोगे? तो क्या हम केवल अडानी कर्जा माफ करेंगे? आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, पूछ लीजिए, ये उद्योगपतियों के अडानी जैसे जो उद्योगपति हैं उसका 14.5 लाख करोड़ रुपए ऋण माफ किए हैं, 14.5 लाख करोड़। और हम यहां पिछले समय 19 लाख किसानों के 9.5 हजार करोड़ रुपए माफ किए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहता हूं कि मैं कर्जा माफ किया हूं किसानों का, तो मैं उसके नाम से वोट मांग लेता हूं, और तुम जनता के पास जाना और ये बोलना कि अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के 14.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दे, हमको वोट दो। कोई देगा क्या? बताओ देगा तो। और इसे पूछ लेना किए कि नहीं किए, भूपेश बघेल आए थे हमारे यहां, भाजपा वालों से पूछ लेना, हमारे यहां आए थे और कह रहे थे कि किस उद्योगपति को 14.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दियो, सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे, इतना पूछ लेना।